राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों एवं शहीदों को नमन करते हुए सभी जनपद वासियों सहित सभी राज्य वासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि लंबे संघर्षों के बाद हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य ने बीते 24 सालों में विकास की लंबी यात्रा करते हुए बहुत कुछ पाया है और भविष्य में बहुत कुछ पाना अभी शेष है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, उद्योग तथा विकास के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी यात्रा की है। प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदारनाथ धाम से कहा था कि दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग, रेल कनेक्टिविटी, शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्र आदि में बहुत आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और हमारे प्रदेश की प्रतिभाएं पूरे देश एवं विदेश में चमक रही हैं। उनकी विधायक प्रदीप बत्रा ने सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए जनपद तथा राज्यवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि देवभूमि है। उन्होंने कहा कि हमें अपने देवभूमि की संस्कृति, सौम्यता को बनाए रखने के लिए अपना आचरण राज्य की प्रकृति के अनुसार बहुत अच्छा रखना चाहिए। हमें आध्यात्मिक तथा पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य का चहुमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि राज्य विभिन्न विकास कार्य गतिमान है तथा अनेक विकास कार्य प्रस्तावित हो। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने राज्य आंदोलन के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सभी आंदोलनकारियों को नमन किया तथा राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों तथा आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों की बर्बरता के सामने समान ही बर्बरता देखी है। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप संवारने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सभी आंदोलनकारियों को नमन किया तथा राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य के चहुंमुखी विकास हेतु सभी को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा तथा अनुशासित रहते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा, ईमानदारी व पारदर्शिता से कार्य करना होगा। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर पुलिस, फायर, कृषि, उद्यान, समाज कल्याण, NSS, मत्स्य, NRLM सहित विभिन्न विद्यालयों द्वारा झांकी निकाली गई तथा स्टॉल लगाकर योजनाओं को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम से पूर्व मुख्य अतिथियों एवं जिलाधिकारी द्वारा विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। मंच का सफल संचालन नरेश चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता विकास तिवारी, विशाल गर्ग, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी का आकांक्षा कौंडे, अपर जिलाधिकारी PL शाह, दीपेंद्र सिंह नेगी, PDKN तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी RK सिंह, उप जिलाधिकारी लक्ष्मी राज चौहान, अजय वीर सिंह के साथ समस्त जनपदीय अधिकारी मौजूद थे। एवं भजन संध्या का भी आनंद उठाए। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम सप्ताह भर के आयोजित किया जा रहा है, सभी में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। हमारे जी ये राज्य काफी लंबे संघर्ष के बाद इस राज्य का निर्माण हुआ। कितने आंदोलन, कितना संघर्ष, किस प्रकार से लगातार निरंतर आगे बढ़ते हुए अंततः अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार थी तब इस राज्य का निर्माण हुआ। के क्षेत्र में हो हम जब राज्य इतनी लंबी यात्रा हमने की है कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि क्या चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी यात्रा की। उत्तराखंड का दशक हो।